वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इसहाक और अपने यूट्यूब चैनल मारबंड में आपको वेलकम कहता हूं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आप दोस्तों के साथ ये शेयर करना था कि इनक्यूबेटर में जो है अंडे आप कैसे रखें। तो आज हम इनक्यूबेटर में अंडे रख रहे हैं इंशाल्लाह और आपके साथ शेयर करें। हम ले रहे हैं एक ये छोटा सा अंडा है, ये है जापानीज़, वाइट जापानीज़ का, तो माशाल्लाह अच्छा है। और ये डेटोल का पानी हमने बनाया है, उसके साथ साफ़ कर रहे हैं कि ताकि इनके जो जरासीम होते हैं वो साफ़ हो जाएं। तो इंशाल्लाह ये देखें आप, हम साफ़ कर रहे हैं अंदर से, ये देखें जी, और ख्याल से आराम से साफ़ करने हैं। और ये देखें, हमने भूसा भी डाला हुआ है थाल में, आप दोस्तों को नज़र आ रहा हो तो वो इसलिए डाला हुआ है ताकि ये जो है ना मतलब हिले डुले नहीं, हिलते हैं तो भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और अंडे के ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जी देखिए, आराम आराम से हम साफ़ कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। ये जी देखें, आप दोस्तों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, देखें जी डेटोल का पानी है, बहुत ज़रूरी है ये सफाई करनी क्योंकि ये देख रहे हैं थोड़ा बहुत गंद लगा होता है, बीट वगैरह लगी होती है और ब्लड वगैरह भी लगा होता है, तो ये जो है ना सारे साफ़ हो जाते हैं क्योंकि इनक्यूबेटर में जब हम रखेंगे तो उसका दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, तो ये जो जर्म्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं गर्मी में। तो ये देखें जी, खुश कपड़े से हम साफ़ भी कर रहे हैं। तो ये जी मुख्तलिफ़ हमारे पास वैरायटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ जो है ना मुर्गियों के वो हैं अंडे हैं, जिसमें जापानीज़ भी हैं, वाइट जापानीज़, ब्लैक टेल जापानीज़, वाइट बेंटम, ब्लैक बेंटम, ब्लू बेंटम, और इसमें कुछ असील के भी अंडे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे जैसे जैसे जो है इसकी हैचिंग की डेट्स करीब आएंगे, दिन करीब आएंगे, तो इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। ये देखें, इसके ऊपर जो है ना ये सारी मिट्टी लगी हुई है, थोड़ा सा गंद लगा हुआ है, तो ये भी साफ़ करनी है। तो ये ज़रूरी होता है सफ़ाई, इसके साथ डेटोल की सफ़ाई जो है ना, डेटोल के साथ साफ़ करना ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से सफ़ाई करनी है। साफ़ हो गए हैं सारे, तो अभी जो है ना इनको इनक्यूबेटर में रखेंगे। ये देखें माशाल्लाह इनक्यूबेटर हमारा, तो टेम्परेचर देखें 37.3, आप दोस्तों को नज़र आ रहा हो तो 37.3 है। और इसको ओपन करते हैं इनक्यूबेटर को, ये तकरीबन अंडे रखने से पहले ना डेढ़ दो घंटे इसको चला लें, ऑन कर लें ताकि ये ऑन पड़ा हो। ये देखें माशाल्लाह, ये पानी का बाउल मैंने रखा हुआ है, ये देखें जी इतना सारा है, तो ये जितना बड़ा होगा उतनी ह्यूमिडिटी इसकी बढ़ेगी और जितना छोटा बर्तन होता जाएगा इसकी ह्यूमिडिटी जो है ना उतनी कम होती जाएगी। तो ये देखें जी, ह्यूमिडिटी मीटर मैंने रखा हुआ है इसके अंदर, टेम्परेचर मीटर भी है, शो कर रहा है ये आप दोस्तों को नज़र आ रहा हो, तो 38.21 हो गया और ये 62 ह्यूमिडिटी होगी क्योंकि मैंने इसको खोल दिया है। तो ये इसको पड़ा रहने देंगे इधर अंदर और ये ट्रे थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, ये देखें जी, और इसको भी जो है ना साइड पे कर लेंगे और इसमें जो है अंडे शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह स्टेप बाई स्टेप। तो बने रहिए इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये आप दोस्तों को नज़र आ रहा है इंशाल्लाह, हम इसके अंदर अभी अंडे रखते हैं, हम इसमें अंडे रखेंगे ख्याल से अंडे,
तो जी पहले जो हम इसमें अंडे रखेंगे, ये असील के हमारे पास जो अंडे हैं ना, असील मुर्गे के, वो रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असील के अंडे आ गए हमारी एक तरफ, और इस तरफ जो है ना हम रखेंगे ये सारे मेरे पास हैं वाइट बेंटम और ब्लैक बेंटम, ब्लैक टेल और जापानीज़, वाइट जापानीज़ और ब्लू बेंटम है। और माशाल्लाह ये देखें आप दोस्तों की सब्ज़ी आ गया। तो ये देख रहे हैं माशाल्लाह, ये टेम्परेचर मीटर जो है ये दोनों मैंने इकट्ठे इधर बांधे हुए हैं। इसके अंदर वाला भी है जो टेम्परेचर मीटर, ह्यूमिडिटी मीटर, और ये बाहर वाला भी। तो अभी ये मैंने जैसे ओपन किया है तो ये देखें इधर 36.4 आप दोस्तों को नज़र आ रहा हो, तो ये 36.4 हो गया है, और ये भी जो है ना 37.5 हो गया है। तो अभी इंशाल्लाह अब इसको बंद करेंगे और स्टेप बाई स्टेप आप लोगों के साथ ये शेयर भी करते रहेंगे कि क्या हुआ, और कोशिश करेंगे टेम्परेचर मीटर जो है ये अंडों के दरमियान रखें, और दिन में जो है ना मिनिमम 2 बार, और मतलब 3 बार हो सके, 4 बार हो सके, इनको जो है ना रोटेट करना है आपने, और इस तरह इस तरह इसके ऊपर हाथ फेरना है, इस तरह इस तरह। तो इंशाल्लाह ये जो है बने रहेंगे। और एक और बात है कि ह्यूमिडिटी जो है 18 दिन है उनमें 60+ नहीं होनी चाहिए, 60 तक होनी चाहिए और 60 से प्लस नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम जो है ना 45-50। और जो और इनको मतलब 18 दिन तक आपने रोटेट भी करना है, और लास्ट के जो 3 दिन होते हैं तो उनमें जो है ना ह्यूमिडिटी कोशिश करें कि 90 तक जाए, 90+ ना हो, 90 तक जाए, 80-90 के दरमियान हो, और जो है ना इनको रोटेट करना बिल्कुल छोड़ दें, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा आपके पास। तो अभी आप दोस्तों के सामने हमने अंडे भी रख दिए हैं इनको बेटर में, तो इंशाल्लाह दुआ करें हमारे लिए भी, और इंशाल्लाह जो है ना इसमें से उम्मीद है कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।